Hello everyone, welcome to iQuanta. I'm Anmol. I'm a faculty at iQuanta and I got a rank of 39 in CLAT, and I'm currently a third-year law student at the National Law School of India University, Bangalore. So we were doing with a series of the most important topics for CLAT 2025, and this is the part two of the video. So in the last part we did the G7 summit, and today we'll be doing the electoral bonds scheme so why this is in news? because the supreme court has invalidated the electoral bond scheme. so electoral bond scheme was introduced in 2018 and this has been invalidated by the supreme court. so a no, landmark decision by a five-judge bench, constitutional bench of the supreme court uh, unanimously, unanimously, hota hai ki sabne agree kiya. Matlab, all the five judges, all five judges have agreed. इलेक्ट्रॉन्ड स्कीम एंडसिएटेड अमेंडमेंट हम देखेंगे हुए, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है स्पार्किंग सिग्निफिकेंट रैम्पिफिकेशन फॉर पोलिटिकल फाइनेंसिंग कितना कॉन्सिक्वेंसिस पहले तो ईबीएस से आया था देन अभी प्रेजेंट में क्या सिनारे हुए देखेंगे राइट right? सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसे मेजरली अगर हम देखें आर्टिकल 19 क्लॉज वन क्लॉज ए के अंदर जो कि है फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसके अंदर

इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे तो बेसिकली आई टॉक अबाउट कि 2017 में एक एक फाइनेंस फाइनेंस बिल बिल आता है एक आता है इन द लोकसभा सो so, आपको पता होगा कि फाइनेंस बिल मनी बिल्स इसमें लोकसभा हैज एन अपर हैंड ठीक है बेसिकली इसमें अगर लोकसभा अगर आपको पता होगा कि बिल्स जनरली बिल्स कोई एक हाउस में पास होती हैं देन इट गोज टू द अनदर हाउस फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा में स्टार्ट होता है इनिशियट होता है राज्यसभान गो द प्रेसिडेंट फॉर इसेंट ठीक है अगर स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट दिस बट अगर लोकसभा में फॉर एग्जाम्पल अगर बिल है ठीक है अगर ऐसे बिल होता है लोकसभा में पास हो जाता है राज्यसभा में नहीं पास होता है देन वो बिल वहीं पर खत्म हो जाता है प्रेसिडेंट के पास जाएगा ही नहीं बट अगर मनी बिल के केस में क्या होता है अगर लोकसभा में पास हो गया देन तो राज्यसभा को मैंडेटरीली पास करना पड़ेगा ठीक है वो कब करना पड़ेगा बेसिकली राज्यसभा तो वैसे, वैसे ही अगर आपको राज्यसभा कर ही तो पास तो पास तो पास तो पास देंगे वो ठीक है सो मनी बिल्स में लोकसभा ने तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड पास कर फाइनेंशियल बिल तो बेसिकली 2017 के फाइनेंस बिल में इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 में ये पास हो जाता है करेक्ट सो so, इस तरीके से अमेंडमेंट्स होते हैं किसमें फाइनेंस एक्ट आरपीए दैट इज द रिप्रेजेंटि रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ठीक है

Right? You have to that. For example, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हूँ देन अगर मैंने बीस हजार से ज्यादा किसी को फंड दिया देन आई हैव टू डिस्क्लोज़ दैट टू दी आई बट आफ्टर दिस इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम ये लिमिट हटी जाता है कि आप जितना भी पैसा दो उससे फर्क नहीं पड़ता ठीक है आपको किसी को डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यह था कि डोनर का एनोनिमिटी ठीक है कि डोनर कौन है ये पता ना चले एंड किसको पैसा दे रहे हो आप कौन सी पार्टी कितने पैसा जा रहा है वो तो किसी को नहीं पता चलेगा राइट ओके ये अमेंडमेंट्स इतने पैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद द लीगल फ्रेमवर्क वॉज देयर इन टू थाउजेंड सेवेंटीन जो प्री इलेक्ट्रोल बॉन्ड था प्री इलेक्ट्रोल बॉन्ड सिनारियो उसको वापस से री इंस्टेट कर दिया जाता है कि वापस से वो वाला सिचुएशन आ जाता है राइट देन आर पी एन फिफ्टी वन में अगर आप सेक्शन ट्वेंटी देखो अगर आपका ट्वेंटी थाउजेंड से अबव होता है ठीक है बेसिकली यही वाला देन इट इज अगेंस्ट द राइट टू इंफॉर्मेशन बेसिकली यहां पे आपको डिस्क्लोज नहीं करना है दिस दिस द अमेंडमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट ठीक है अगर आपको डिस्क्लोज नहीं करना है अकॉर्डिंग टू ई बी एस तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस इज

और आपका डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट था एंड कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट थे थेके? उसी को हटा दिया गया थाउजेंड मेजरली बीस हजार का लिमिट था अब अकॉर्डिंग टू ईबीएस नहीं था एंड सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो कैप था इसको वापस से रीइन स्टेट कर दिया है, कि अब से ये कैप रहेगा दिस रेस्ट्रिक्शन फिर से आ गया ठीक है ओके देन सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट सो व्हाट इज द प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट टेस्ट इज रीजनेबिलिटी टेस्ट अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं ठीक है सो बेसिकली हम दो चीजों को देखते हैं यहां पे स्टेट एक्शन ठीक है दिस इज अ टेस्ट जो कि जनरल टेस्ट है यहां पे पहले हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पे अप्लाई करके देखेंगे कैसा होता है ठीक है स्टेट एक्शन वर्सेस इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स सर आप देखो पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि हम उसको मैगना चार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं एंड आर्टिकल थर्टीन के तहत इफ एनी लॉ इज इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स देन इट इज नॉइट ठीक है? अगर आप डॉक्टर की तरफ जाओगे तो इट इज नॉन नॉन करेक्ट। नाउ नाउ आर्टिकल के तहत ये नहीं है, राइट? इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं कर सकते स्टेट एक्शन बस उतना ही हो सकता है कि यू यूज द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव मेथड्स फॉर बोथ राइट बोथ हम बात करेंगे थ्री राइट्स, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्लास टू में आठ के आसपास रेस्ट्रिक्शन है अगर आपके फंडामेंटल राइट इन रेस्ट्रिक्शन के अंदर फॉलो कर रहे हैं विद इन रीजनेबल लेवल विद इन प्रकोशन लेवल इन दैट केस

अपहेल्ड किया गया था ठीक है देन राइट टू प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी हेल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन इज बेसिकली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बट उसके अंदर इन्होंने बोला कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन करेक्ट यहां पे गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या आता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ वोटर्स तो ठीक है बट दी एस स्कीम इज कर्बिंग द ब्लैक मनी एंड डोनर अनोनोमिटी को इंश्योर कर रहा है तो गवर्नमेंट का यह आर्ग्यूमेंट था बट सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोरिटाइज सुप्रीम एंड इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कर्बिंग ऑफ ब्लैक मनी एंड डोनर अनोमिनेटी आपका अगर पता होगा तो इन्होंने डोनर अनोमिटी ठीक दो है लेकिन वो अपने फायदे के लिए किया था किसी को पता ही नहीं चलेगा राइट right. तो अगर मान लो रिलायंस मुझे एज अ बीजेपी मुझे अगर मान लो सौ करोड़ दे रहा है किसको पता चल रहा है ठीक है करेक्ट तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डबल प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट अप्लाई किया था डबल प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट बेसिकली ये है कि कोई भी लॉ अगर दो यहाँ पे स्पेशली दो अगर आप, आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं यहाँ पे कौन से राइट्स हैं राइट टू नो और इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी तो यहां पर दो चीजें आपकी वायल होती है ठीक है तो बेसिकली डायरेक्शन क्या हुए किस एंड फर्निश ऑल डिटेल्स आपको सारे डेटा किसको देना है ईसीआई को देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिस ठीक है सो बेसिकली

टेक्निकली काम खत्म हो जाना चाहिए ठीक है अगर आप बाकी कोई भी क्लास में देखोगे तो इतना तक टॉपिक खत्म हो जाता है बट नाउ यू नीड टू नो नाउ यू नीड टू बैकवर्ड लिंकेज टू द टॉपिक कि वो टॉपिक किस बारे में है अगर मैं इलेक्ट्रोबल बॉन्ड स्कीम के बारे में बात कर रहा करंट न्यूज क्या है बट मुझे उसका स्टैटिक पार्ट भी जानना चाहिए स्टैटिक पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट ऐसे बट स्टैटिक पार्ट लिंक टू करंट अफेयर सो सम सम्विक क्वेश्चन कर लिया है इंट्रोड्यूसड इन टू थाउजेंड से इंप्लीमेंट होता है इंट्रोड्यूसड कब हुआ था इट्स राइट टू थाउजेंड एटीन हम लिखेंगे कभी भी अगर सवाल आए तो सेकेंड अमेंडमेंट टू विच एक्ट फाइनेंस एक्ट आई टी एक्ट आर पी एन फिफ्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट

एंड ईसीआई ने जब इसको रिलीज किया किसने किसको दिया पैसे तो वन करोड़ मतलब ऐसे मल्टीपल किसी ने रूलिंग पार्टी को दिया किसी पार्टी को दिया था राइट यून करोड़ लिमिट देन इट कैन बी परचेज डिजिटली और थ्रो चेक क्लियर के वाई सी देर इज नो योर कस्टमर हैजन देन द डोनो नेम है डोनेशन ई कितना, कितना ज्यादा ये दिया गया तो मतलब आप मैं, मतलब ये समझो कि कि कितना फेवरेबल हो सकता है कि कोई कंपनी के पास इतने पैसे हैं एंड उनको टैक्स बचाना है पहला तो ये एंड गवर्नमेंट के गुड बुक्स में भी रहना है कि मान लो मैंने सौ करोड़ दिया किसी को राइट एंड ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट मुझे फेवर करेगी राइट right? कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे मुझे या तो कोई भी लॉज ऐसे हैं जो कि मेरे फेवर में आ जाए

वाया इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स तो कौन से पॉलिटिकल पार्टी को पैसे मिल सकते हैं दैट इज गिवन अंडर 29 ए सेक्शन 29 ए ऑफ आरपीए 951 सो so, इसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं फर्स्टली आपको यहां पे रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका पार्टी को रजिस्टर्ड होना चाहिए रजिस्टर्ड इन द सेक्शन 29 ए एंड सेकंडली नॉट लेस देन 1% नॉट लेस देन 1% क्या मान लीजिए कि लास्ट इलेक्शन में रास्ट जो भी इलेक्शन हुआ था या तो लोकसभा या तो लेजिस्लेटिव असेंबली लास्ट आपके इलेक्शन में आपको कम से कम जितने भी वोट्स आए हैं वोट्स पोल्ड हैं उससे कम से आपको एक परसेंट वोट्स होने चाहिए अगर नहीं है नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स ये ये जो लिमिट है बहुत कम ही है अगर देखो वन तो किसी को ही मिल जाता है राइट okay. ठीक है ओके देन ठीक है वी आर डन विथ इलेक्ट्रोल वन मोर टॉपिक कैन बी लिंक योर फर्स्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ठीक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है बेसिकली अगर हम बात करें पे कि इट इज सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस की ड्यूरिंग इलेक्शन मतलब अगर ड्यूरिंग इलेक्शन यहां प्री इलेक्शन है ड्यूरिंग है पोस्ट इलेक्शन है तो आपका बर्ताव एज अ पोलिटिकल पार्टी क्या होना चाहिए ठीक है क्या आप किसी क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या किसी रिलीजन के खिलाफ बोल रहे हो आप किसी के राइट्स को इन्फ्रेंस कर रहे हो आप राइट right? आप आपकी वजह से किसी को दिक्कत हो रही है तो ये सब चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है अंडर दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ठीक है so this conduct is a, it has been evolved with the consensus of political parties and helps to ensure the conduct of free and fair elections the model code of conduct comes into force immediately at the announcement of the election schedule and remains in force till the end of the electoral process okay is self explanatory then who ensures it election commission ensures the, the observance of observance sorry, of the mcc by a political party in power ठीक है देन इंश्योर्स जो हैं मैल प्रैक्टिस करप प्रैक्टिस ना हो एंड ये जो इज फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन जब से इलेक्शन शेड्यूल आ गया फ्रॉम देन टू द एंड ऑफ इलेक्शन ये एप्लीकेबल होगा राइट ओके प्रोविजन अगर हम प्रोविजन की बात करें कुछ प्रोविजन ऑफ एमसीसी फर्स्ट इज जनरल कंडक्ट जनरल कंडक्ट क्या है कि नो पार्टी और कैंडिडेट शैल इंक्लूड इट सेल्फ इन एनी एक्टिविटी और क्रिएट म्यूचुअल बी एन एस के अंदर देख लो क्या है ठीक है सो so, बेसिकली अगर आप किसी रिलीजन के खिलाफ बोल रहे हो या तो किसी कम्युनिटी के बारे में खिलाफ बोल रहे हो तो इन जनरल भी ये ऑफेंस है पोलिटिकल पार्टी तो और ज्यादा ग्रेव ऑफेंस हो जाता है ठीक है थीके? तो आपको पहले से लोकल पुलिस अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि हाँ हमारी मीटिंग्स है यहां पर है ताकि वो क्राउड कंट्रोल कर पाए देन प्रोसेशन प्रोसेशन मतलब ये होता है कि कोई किसी पोलिटिकल पार्टी का कोई नेता जा रहा है देन आपका वो जो कॉन्वॉय जाता है बहुत लोग जाते हैं ना साथ में तो क्राउड ना हो कौन सा रूट है ये बताना आपको बहुत जरूरी है ताकि वहां पे वहां पर ज्यादा भीड़ ना हो पहला तो ये चीज़ है क्योंकि आप अगर मान लो कोई रोड से जा रहे हो राइट तो मैं एज अ नॉर्मल पर्सन जा रहा हूँ एंड कोई वहां से पर्सन आ रहा है कि भाई कोई कैंडिडेट uh, आ रहा है कोई उसका पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर आ रहा है देन उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स होती है पहला तो ये चीज़ है दूसरा वो जब अपने नारेबाजी लगाएंगे देन

ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाना बेच रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए आप दारू बेच रहे हो राइट ऐसा नहीं होना चाहिए तो आपको पोलिंग डे के अंदर आपको पॉलिटिकल पार्टी को दूर रहना चाहिए क्यों क्योंकि आप किसी को डरा के भी वोट ले सकते हो ना किसी को डरा के धमका के वोट ले सकते हो तो वो सारी दिक्कतें को सॉल्व करने के लिए पोलिंग डे के अंदर आपको दूर रहना है आपको करप्ट आप प्रैक्टिस हो वो नहीं होना चाहिए ठीक, ऐसे नहीं होना चाहिए राइट तो देखिए तो पोलिंग बूथ सो so, पोलिंग बूथ में इट इज स्ट्रिक्ट सेट बाई एम एमसी की ओनली द ऑथराइज पर्सन ऑथोराइज ईसीआई पर्सन इलेक्शन कमीशन के अंदर जो ऑथोराइज है दे ओनली कैन एंटर द पोलिंग बूथ कोई और कोई पोलिटिकल पार्टी कोई वोटर कोई नहीं जा सकता उसके अंदर ठीक है पार्टी इन पावर पार्टी इन पावर इज बेसिकली की अगर कोई रूलिंग पार्टी है फॉर एग्जाम्पल बीजेपी है वो अपना स्टेट मशीनरी जो उनका मशीनरी फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी है ठीक है उनके पास अपना मशीनरी है उनके पास अपना सिक्योरिटी है ही कांट यूज हिज ओन मतलब ओन सिक्योरिटी ओन एसेट्स विच ही हैज बीन गिवन बाय वर्च्यू ऑफ इिस अथॉरिटी वेस्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो वो मशीनरी का आप इलेक्शन में यूज नहीं कर सकते सिंपल सा कहानी है ठीक है अगर आप इलेक्शन में यूज करोगे तो बाकी पार्टीज पार्टीज में बाकी जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जो कि आप रूलिंग पार्टी नहीं हो राइट पैसे बस बात नहीं है इट्स मेन अबाउट पावर कितनी पावर हो सकती है आपके पास राइट तो वो पावर गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते पार्टी इन पावर स्पेशल क्योंकि दैट्स द वे आई मीन वो जनरली दे आर मोर प्रोन दे कैन मिस यूज द पावर राइट इलेक्शन मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो बेसिकली आप जब अपना कुछ ऐसा समझ लो एड देते हो टेक्निकल इट्स एन एड कि हमें वोट दो क्यों वोट दो राइट right? हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे राइट right? हम आपको बिजली लाएंगे हम कुछ ऐसा कर लेंगे काम कर लेंगे राइट right? जो आपको हेल्प हो जाए राइट देन दैट्स हाउ यू आस फॉर वोट्स राइट सो इलेक्शन मैनिफेस्टो में आप कुछ ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करोगे किसी को किसी रिलीजन को ये नहीं करोगे कि रिलीजन आप ये बोलो कि भाई हम और मंदिर बना देंगे देन यू आर बेसिकली टारगेटिंग अ रिलीजन वो नहीं होना चाहिए Because, अगर आप देखो तो किसी को टारगेट करोगे तो एक पर्टिकुलर वोट बैंक आएगी वो राइट तो वन एज इक्वल राइट ओके देन यू क्रिटिसिजम ऑफ अदर पार्टी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते मतलब कोई भी पार्टी को ऐसा नहीं बोल सकते तुम खराब हो ये खराब हो राइट यू कॉन्ट क्रिटिसाइज यू कांट डिमीन एनी पोलिटिकल पार्टी सो बेसिकली

दे आर इन वायलेशन ऑफ द एमसी इन दैट केस यू कांट डिस्कालीफाइडिडेट यू एजीआई कैंडिडेट पावर राइट यू ऑल्सो अनेबल टू डी रजिस्टर आप किसी को डी रजिस्टर भी नहीं कर सकते पोलिटिकल पार्टी ने रजिस्टर किया हम उसे बोले कि यू आर डिस्कालीफाइड यू आर यू यू शुड नॉट भी रजिस्टर्ड तो ऐसे नहीं कर सकते वी डोंट है पावर एज एन ईसीआई करेक्ट चलो दिन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली इतनी बात कर ली एसीआई के बारे में तो इसके बारे में तो जानना बहुत जरूरी है बॉडी, बॉडी। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज याद है थ्री ट्वेंटी 324 कॉम्पोजिशन क्या है दर इज वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस टू अदर इलेक्शन कमिश्नर तो अभी करंट सीईसी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है मिस्टर राजीव कुमार फाउंडेड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ये प्लीज डेट याद रखना ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज आल्सो कॉल्ड द नेशनल नेशनल वोटर्स डे जनरली क्लाइट में आपको इंपॉर्टेंट डेज नहीं पूछते हैं बट समटाइम्स एक बार उन्होंने पूछ लिया था वर्ल्ड वाटर डे कब है राइट 22 मार्च को होता है तो आपको ये पता होना चाहिए जब मैंने क्लाइट दिया था फर्स्ट टाइम जब दिया था उस टाइम पे इन्होंने पूछा था कि वेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड तो अगर एक कोई पैसेज आता है इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स में तो एक क्वेश्चन तो हो सकता है ना नेशनल वोटर्स डे कब है

सेम एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और पावर की अगर बात करें सी एंड ईसी इन टर्म्स ऑफ पावर इक्वल इन नेचर बट अगर कोई मेजोरिटी मतलब से मान लो कोई डिफरेंस इन ओपिनियन आप देखोग तीन लोग है राइट right? तो एटलीस्ट टू इज वन तो हो ही जाना चाहिए मोस्ट केसेज में राइट right? अगर आप देखो या तो टू इज वन तो हो जाएगा अगर वन 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 है ठीक है एक ही केस में वन वन हो सकता है एंड एक तो कोई इसमें जाएगा तो इसमें जाएगा राएट? अगर एक-एक हो गया तो ठीक है तो ये आपका इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर है ठीक ओके इंपॉर्टेंट प्रोविजन की बात करें सर आप देखो कि अपन ने वो जो पिछला एक्ट बात किया जो कंडीशन वाला वन वाला दिस वॉज इनेक्टेड बाई द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल थ्री ट्वेंटी सेवन विच द पावर parliament to make laws regarding elections to the parliament regarding laws regarding elections to parliament and state legislatures okay so this was the article which gives the power to make laws with relate relating to the parliament then it is article 328 state state legislative assembly cover election then in that case it is article 328 then article 329 kvolta प्रोहिबिट्स जुडिशियल इंटरफेरेंस इन इलेक्ट्रल मैटर्स किया जुडिशियल इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता कुछ केसेस में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ना कौन से केस में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई आर्टिकल वायलेट होता है या कोई प्रोविजन वायलेट होता है आप जुडिशियल इंटरफेरेंस मांग सकते हो करेक्ट

Given that it's not in part three, this article is not in part three, and it's a constitutional right, not a fundamental right. Okay, the other four articles just yadgala 324-325, sub-order may Then can just go through. Okay, functions can ECI ke it performs three types of functions: administrative, advisory, and quasi-judicial. Administratively, it determines electoral constituencies, prepares and updates voter roles, announces.

it advises ECI advises the president and the governors with respect to any disqualification. Okay, and whether elections can be conducted under president's rule. President's rule is basically state emergency. कोई भी state अगर आ, state emergency अंदर है, that is basically president's rule. In that case, क्या elections conduct कैसे करेंगे? Right? Because उस उस state का जो whole control है, वो state के पास नहीं है, वो president के पास है. तो आपने देखा कि पिछले slide में अगर आप देखो uh... बेसिकली थ्री ट्वेंटी एट में पावर दिया गया स्टेट लेजिस्लेचर तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर है ही नहीं देट के प्रेसिडेंट के पास देन ईसीआई के पास पावर होता है तो एडवाइजरी रोल होता है यहाँ पे आई गेस आपको समझ में आ रहा है क्रोनोलॉजी क्या है यहाँ पे क्वाई जुडिशियल जुडिशियल की आप एक्जैक्टली जुडिशियल बॉडी नहीं हो बट सम फंक्शन दैट यू आर अंडरटेकिंग वो सॉर्ट ऑफ जुडिशियल फंक्शन है इट इज द नेचर ऑफ इट इट इज जुडिशियल इट इज नॉट यूर बॉडी मतलब फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट इज ए जुडिशियल बॉडी बट

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपन साथ कर सकते हो आपको for example, 30 right? and 30 में, for example, आपको छह पैसे right? तो एक कोई पैसेज है फॉर एग्जाम्पल के ऊपर या तो टॉपिक के ऊपर क्योंकि वो पांच क्वेश्चन सेम ही टॉपिक से रिलेटेड नहीं हो रही नहीं है राइट right? सो so,

बताओ कौन सा करेक्ट है वीडियो को पॉज करो एंड सोचो क्या आंसर क्या है क्योंकि मैं अगर आंसर अभी बता दूंगा एंड आप आपने बस सुन लिया वो सही नहीं होगा क्योंकि दिस इज एन एनालिटिकल क्वेश्चन आपको सोचना है ठीक है तो यहां पे अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है नहीं है बिकॉज़ हमने डिस्कस किया इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हॉस्पिटल बॉडी अंडर आर्टिकल 324 प्लीज एग्जाम तक एटलीस्ट मत भूल लेंगे ठीक है एग्जाम तो याद रखना ठीक है सो ईसीआई सेकंड स्टेटमेंट अगर ये देखे तो दिस इज इनकरेक्ट सो यहां पे क्वेश्चन है बेसिकली क्वेश्चन लिखना भूल गया मैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट ये आपका क्वेश्चन है ठीक है उस उस स्टेटमेंट आपको देखना है सो सेकंड स्टेटमेंट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट राइट सेकंड स्टेटमेंट ईसीआई इनफोसिस द एमसीसी अगर आप देखोगे ईसीआई फोर्सिस यस, इट इन्फोर्सिस बट यहां पर कैच है मतलब दिस करेक्ट दिस करेक्ट स्टेटमेंट बट एनफोर्सिस का मतलब यहाँ ये भी हो सकता है कि क्या ये इनफोर्स्ड है मतलब एज इन, एनफोर्सिबिलिटी पे भी, भी, भी क्वेश्चन हो सकता है ठीक है दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट अगर मैं ये बोलूं कि एमसीसी इज एनफोर्सिबल एंड ईसीआई इन्फोर्सिस द एम सी सी दोनों में फर्क है दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि ई सी आई इंप्लीमेंट करता है एनफोर्स करता है तो उस टर्म टर्म यहाँ पे टर्म्स का मीनिंग अलग है दो सिमिलर वर्ड्स है आई मीन एक एक दूसरे के भाई हैं बट स्टिल यहाँ पे वर्ड्स का बहुत डिफरेंस होता है नॉन यहाँ पे इन्फोर्सेबल का मतलब यह है कि लॉ के तहत इट इज़ एनफोर्सेबल ठीक है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप आप उस कोर्ट जा सकते हो उसके अगर वो वायलेट होता है तो

एंड इसके नोट्स बनाओ खुद से ठीक है ऐसे पीपीटी मैंने लिखा है यू शुड मेक अ स्ट्रक्चराइज नोट्स ऑफ योर ओन ठीक है सब कुछ टॉपिक वाइज सब कुछ एज अ ए फोर शीट है ऑनलाइन बनाओ ठीक है इससे फायदा क्या होगा देखो आप जब एग्जाम के एक दिन में रिवाइज कर रहे हो ना आपको सब कुछ चीजें याद आ जाएंगी अच्छा ये ये बोला गया था ये ये चीजें बोली गई थी वीडियो example, 30, वीडियो। आप वीडियो वापस नहीं सकते फॉर एक्साम्पल थर्टी फोर्टी वीडियो को स्ट्रक्चराइज so, फॉर्मेट में रखना है इंट्रोड्यूस था this. ये कौन से बॉडी है this, 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 this. Just pointers में लिखो कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना बड़ा मैं अगर तुम ये भी देखोगे मेरा जो स्लाइड है माई स्लाइडो वेरी अगर इस स्लाइड को हटा दोगे ये टाइप के देखो बस चीजें लिखी हुई हैं ताकि आपको बस याद है

Till then, bye bye, take care, Jai Hind, thank you.